नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। कश्मीर में आईडीबीपी की बस खाई में गिरी, 10 जवानों की मौत। बस में 41 जवान सवार थे, सभी अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सुबह 11:10 पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई। बस में आईडीबीपी के 29 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। हादसे का कारण बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। जवान अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी से पहलगाम आ रहे थे। बीच में ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घायल कर्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। अंतरनाव के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि घायल जवानों को एक का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंतनाग में किया जा रहा है। स्पॉट की तरफ से 19 एम्बुलेंस रवाना की गई है। अभी फिलहाल हमारा फोकस तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पर है। अब तक हमारे पास 6 जवानों की मौत की खबर है, यह संख्या बढ़ भी सकती है। बिपाशा बसु और करण सिंह ने फैंस को दी खुशखबरी, शादी के 6 साल बाद माँ बनने वाली है बिपाशा बसु। फोटोशूट में दिखाया बेबी बम। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है। कपल ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर अपने फैंस को ये खुशखबरी दी है। बिपाशा और करण की शादी के 6 साल बाद पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। बिपाशा ने प्रेगनेंसी की न्यूज़ शेयर करते हुए बताया कि उनका बेबी जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। पोस्ट शेयर कर दी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट। कपल ने मैटरनिटी फोटोशूट की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, एक नया वक्त, एक नया फेज, एक नई रोशनी। हमारी लाइफ के प्रिज्म में एक यूनिक शेड जुड़ने जा रहा है। हमारी लाइफ और फैमिली पूरी होने वाली है। हमने इस लाइफ की शुरुआत अकेले की थी और फिर हम एक दूसरे से मिले, जिसके बाद से सिर्फ हम दो ही थे। दो लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्यार हमें थोड़ा अनफेयर लग रहा था, इसलिए जो दो हुआ करते थे जल्द ही 3 हो जाएंगे। फैंस को किया धन्यवाद। बिपाशा ने आगे लिखा, हमारे प्यार की निशानी हमारा बच्चा जल्द ही हमारी लाइफ और खुशी में शामिल होने वाला है। आप सभी के प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी गुड विशेज हमेशा हमारी लाइफ का हिस्सा थी और रहेंगी। हमारे जीवन का हिस्सा बनने और हमारे साथ एक और खूबसूरत लाइफ बनाने के लिए धन्यवाद। दुर्गा दुर्गा। बिपाशा ने किया बेबी बम फ्रंट। बिपाशा ने अपने पति करण के साथ मैटरनिटी फोटोशूट की फोटो शेयर किए। फोटो में बिपाशा व्हाइट शर्ट पहने बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए दिख रही हैं। वहीं करण बिपाशा के साथ व्हाइट शर्ट में ट्विनिंग करते हुए बेबी बम को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल 2016 में हुई थी कपल की शादी। बता दें, काफ़ी समय से बिपाशा और करण की प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। हालांकि कपल ने कभी इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया था। बिपाशा और करण की शादी 30 अप्रैल 2016 में की थी। कपल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ की झलक शेयर करते रहते थे। करण और बिपाशा की मुलाकात अलोन के सेट पर हुई थी। अख्तर बोले, मुझे नहीं पता था सचिन तेंदुलकर कौन है, मैं अपनी दुनिया में ही खोया था। सामने नहीं देखता था कि कौन सा बल्लेबाज खड़ा है। 27 अगस्त से एशिया कप शुरू होने जा रहा है, इसे भारत पाकिस्तान जंग के साथ साथ तेंदुलकर अख्तर राइवलरी के तौर पर भी देखा जा सकता था, जो अब बाबर कोहली में बदल गई है। एशिया कप से ठीक पहले दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि करियर के शुरुआती दिनों में मुझे नहीं पता था कि सचिन तेंदुलकर कौन है। शोएब ने कहा, तब मुझे वास्तव में क्रिकेट में तेंदुलकर के कद के बारे में नहीं पता था। मुझे शकलेंद्र मुश्ताक ने बताया था कि सचिन बहुत बड़ा बल्लेबाज है। 47 साल के इस पूर्व पेसर ने एक टीवी शो में कहा कि तब मैं अपनी दुनिया में खोया रहता था। मुझे मैच के पहले तक नहीं पता था कि सामने कौन है। सच कहूँ तो मैं सामने नहीं देखता था कि कौन सा बल्लेबाज खड़ा है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं क्या करूँगा और बल्लेबाज क्या सोच रहा है। मैंने हमेशा तेज़ गेंदबाजी करने और अपने देश के लिए मैच जीतने के बारे में ही सोचा। अख्तर ने कहा कि आपके और हमारे तेज गेंदबाजों में बड़ा अंतर यह था कि हम तेज़ गेंदबाजी करने के बहाने ढूंढते थे। जब मुझे लगता था कि गेंद रिवर्स स्विंग कर रही है तो मैंने सोचा, अगर मुझे ये स्पेल मिला तो मैं बल्लेबाजों को आउट कर दूंगा। मैं वहाँ 5 विकेट लूंगा और पाकिस्तान के लिए मैच जीतूंगा। आप मैच विनर बने बिना स्टार नहीं बन सकते। हम देश के लिए मैच जीते थे। 28 अगस्त को होगा भारत पाक मैच। एशिया कप में 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान महामुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम करीब 11 महीने बाद आमने सामने होगी। इससे पहले भारत पाक पिछले साल T20 विश्व कप मैच के बाद पहली बार आमने सामने होगी, जहां बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम ने 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।